Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 4. Find and write down structures of 10 interesting small molecular weight biomolecules. हमें 10 biomolecules बताने हैं. Find if there is any industry, कोई ऐसी industry है जो उन्हें manufacture करती है by isolation. And find out who are the buyers और खरीदता कौन है. Start with the first biomolecule, adenosine. Adenosine किससे बनता है? Adenine and ribose sugar से. Ribose sugar में क्या होता है? Second position पे OH present होता है, O present होता है. Next is thymidine. Thymidine किससे बनता है? Thymine and deoxyribose. Deoxyribose में second position पे OH नहीं होता, O नहीं होता. Deoxy means oxygen नहीं होता. Coming to the next one, sucrose. Sucrose बनता है glucose and fructose के combination से. Maltose बनता है by glucose and glucose. Lactose बनता है galactose and glucose से. Ribose है 5-carbon ring. 5-carbon ring है और second position में OH present है. अगर ये deoxy होता तो second position में oxygen नहीं होती. Next is DNA. DNA का basic main chain क्या है? Phosphate present है, होना चाहिए. Deoxyribose sugar present होनी चाहिए, means second carbon पे oxygen नहीं हो. और adenine है, guanine है, cytosine है and thymine है. Thymine होता है in case of DNA, but in case of RNA, uracil होता है. और RNA में second position में OH present होता है, means ribose sugar present होती है. Next is glycerol. Glycerol 3-carbon से बनता है. And O represents alcohol group, OH group. और तीनों कार्बन पे OH group होता है. ये है glycerol. Next is insulin. इंसुलिन की दो चेन्स होती हैं, ए चेन एंड बी चेन. जो ए चेन है वो 21 अमाइनो एसिड से बनती है एंड जो बी चेन है वो 30 अमाइनो एसिड से बनती है. ये ए चेन और बी चेन दोनों कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. कमिंग टू द कंपाउंड्स, कौन कौन से बनते हैं? स्टार्च प्रोडक्ट्स होते हैं, लिक्विड ग्लूकोज है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जैसे अमाइलेज, प्रोटीज, सेल्यूलोज. कौन बनाता है इन्हें? कोशा इम्पेक्स लिमिटेड, मरुधार अपेरल्स, मैप इंडिया लिमिटेड. अब इन्हें खरीदता कौन है? ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं ये रिसर्च लेबोरेटरीज में या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या फिर जो लोग इन बायोमोलिक्यूल्स को यूज करते हैं किसी और प्रोडक्ट को बनाने के लिए या डायरेक्टली इन्हें यूज करने के लिए, वो इन्हें खरीदते हैं. सो दिस वॉज अबाउट द इंटरेस्टिंग स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स. कौन सी इंडस्ट्री उन्हें मैन्युफैक्चर करती है और कौन उन्हें खरीदता है.